पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सीबी चीफ माधवीपुरी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, माधवीपुरी बुच के कारण ही जी एंटरटेनमेंट सोनी डील टूटी, माधवी बुच की वजह से ही छोटे शेयरधारकों को नुकसान उठाना पड़ा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि सेबी मामले को सुलझाने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की गई। यह रिश्वत बिचौलिए मनजीत सिंह के जरिए मांगी गई थी। डॉक्टर चंद्रा ने उम्मीद जताई है कि भ्रष्ट सेबी चीफ के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर चंद्रा ने आरोप लगाया कि सेबी से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की गई। यह रिश्वत मनजीत सिंह नाम के बिचौली के जरिए मांगी गई। 17 फरवरी 2024 को बिकॉज ऑफ ए नॉन पर्सन ऑफ माइंड कॉल्ड मी वन डे एंड सेइंग देयर इज अ पर्सन हु कैन हेल्प यू इन योर सेबी इश्यूज, ही कैन रिजॉल्व ऑल योर मैटर्स। So I met him, met this person named Manjeet Singh on 17 February 2024. He met me in Delhi and he said कि आपका मैटर मैं माधवीपुरी बुच और उसके हस्बैंड के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ। ये आज मैं पहली बार रिवील कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि उस समय तक मैं नहीं मानता था कि वो कोई माधवीपुरी बुच या कोई रेगुलेटर इतना करप्ट होगा। जो बात उसने मुझे कही, उन्होंने कहा सुभाष जी पंजाबी है सरदार जी, मुझे कहने लगे कि तुसी 30,000 करोड़ रुपए तो ज़्यादा लोगों के पैसे वापस दिते ने। आई होप यू अंडरस्टैंड समवट पंजाबी। तुसी 30,000 करोड़ तो ज़्यादा पैसे फाइनेंशियल मार्केट दे वापस दिते ने, ते अपना ये मैटर क्लोज करने वास्ते 3 डिजिट दे पैसे देने दे की अर्ज है कि की बिगड़ेगा? थोड़ा कुछ नहीं बिगड़ता, इतना तो दे ही सकते। आई वॉज ऑन वन हैंड शॉक बट ऑन द अदर हैंड आई सेड मस्ट बी ऐसे ही होगा। आई शट हिम आउट, आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई डिडंट बिलीव दैट शी वॉज लाइक दैट एंड शी वॉज सो करप्ट अंटिल कपल ऑफ मंथ्स बैक when we started hearing this Hindenburg report and its content. डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जी एंटरटेनमेंट और सोनी डील के टूटने के पीछे माधवीपुरी बुच को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि छोटे शेयरधारकों को हुए नुकसान की जिम्मेदारी भी बुच की ही है। आई एम क्वेश्चनिंग टुडे दैट सेबी इज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड शी सक्सीडेड इन pushing away Sony from getting merged with, Zee getting merged with Sony. Who has lost money? Subhash Chandra and family, not much. We are only 4% shareholders. 95.6% shareholders have suffered huge, huge losses. The shares from 400 rupees have fallen to 120 rupees. Who has suffered? All minority shareholders. Just because of her. हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद सेबी चीफ माधवीपुरी बुच अपने खिलाफ दिखाए जाने वाली खबरों को लेकर जी मीडिया से नाराज थी और इसी वजह से उन्होंने जी समूह और डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सबक सिखाने की धमकी दी। ये बात उन्होंने अपने अफसरों के साथ आधिकारिक मीटिंग में की। इसका खुलासा एसएल समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया। He mentioned that the chief at SEBI is extremely displeased with Zee Media. She has even expressed in an official meeting that while Zee Media may be reporting against me and SEBI, Mr. Subhash Chandra and his son Puneet Goenka will have to face the consequences. No other media group is covering this issue, which has further fueled her frustration. डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि वो अब सेबी चीफ माधवी बुच के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ऐसे कॉर्पोरेट्स से आवाज उठाने की अपील की जिन्हें माधवीपुरी बुच ने पद का दुरुपयोग करते हुए परेशान किया। डॉक्टर चंद्रा ने माधवीपुरी बुच को सेबी चीफ पद से तुरंत हटाने और उनसे जुड़े विवादों की जाँच ईडी से कराने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।